देखिए, रूस लगातार यूक्रेन पर मिसाइलें बरसा रहा है और जिस तरह से रूस के इस हमले में यूक्रेन के दो ऑयल डिपो बर्बाद हुए हैं, तबाह हुए हैं, वो तस्वीरें भी सामने आई हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहां पर तबाही रूस मचा रहा है। दो ऑयल डिपो, उससे पहले भी कई तेल डिपो पर रूस लगातार मिसाइल बरसा रहा है। यहां आप आग की लपटें देखेंगे, किस तरह से आसमान पूरा आग की लपटों में छिप चुका है। तो ये तमाम तस्वीरें आप यूक्रेन से देख रहे हैं, ऊंची ऊंची आग की लपटें, जो कि रूसी हमले के बाद ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप देखिए किस तरह से यहाँ ऑयल डिपो में जबरदस्त धमाका होता है और तेज तेज आग की लपटें किस तरह से आसमान को छूती हुई आपको नजर आएगी। तो ये वो हमले की तस्वीरें हैं, ये यूक्रेन की वो बर्बादी की तस्वीरें हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। रूस के आक्रोश की आग में यूक्रेन धू धू कर जल रहा है। रूसी फौज ने यूक्रेन के तेल ठिकानों को ठिकाने लगाने का मानो ठेका ले रखा है, इसलिए बार बार यूक्रेन के तेल डिपो और प्लांट को निशाना बनाया जा रहा है। ये हाल यूक्रेन के जाइटोमीर के तेल डिपो का है, जो आग के गोले में तब्दील होकर खाक हो गया। रूसी सेना ने एयर स्ट्राइक कर इस तेल डिपो को तबाह ही कर डाला। जाइटोमीर में दो दो तेल डिपो पर रूसी एयरफोर्स ने जमकर बमबारी की। ऑयल डिपो पर हवाई हमले की वजह से ब्लास्ट के साथ भीषण आग लग गई। तेल होने की वजह से आग और भड़कती चली गई और देखते ही देखते पूरा प्लांट आग की लपटों से घिर गया। लपटें इस कदर उठ रही थीं मानो आसमान चूमने को आमादा हो। जाइटोमीर की तरह यूक्रेनी शहर चेर्निहिव के तेल डिपो को भी रूस ने तबाह कर डाला। चेर्निहिव में स्थित इस तेल डिपो पर रूसी वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की और फिर अंगारे फूटने शुरू हो गए। जोरदार ब्लास्ट के साथ पूरे ऑयल प्लांट में ऐसी आग लगी कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी लपटें नजर आईं। तेल डिपो पर हुए इस हमले में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन ईंधन का भारी नुकसान जरूर हो गया। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के तीन तीन तेल डिपो तबाह कर डाले। कल दिन में लुहांस के तेल डिपो पर एयर स्ट्राइक कर रूसी वायुसेना ने खाक कर डाला था और फिर रात ढलते ढलते जाइटोमीर और चेर्निहिव के ऑयल प्लांट को भी रूस ने मटियामेट कर दिया। रूस रणनीति के तहत यूक्रेन के ऑयल डिपो पर हमले कर रहा है। ऐसा करके वो ईंधन का संकट खड़ा करना चाह रहा है, ताकि यूक्रेनी सेना के मिलिट्री वाहनों को तेल न मिल सके और सैन्य काफिले की आवाजाही में दिक्कतें खड़ी हो जाएं। इसी मकसद के साथ पुतिन की सेना यूक्रेन के एक के बाद एक तमाम तेल डिपो को तबाह करने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।